दोस्तों वीडियो के नीचे दिख रही लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दोस्तों घंटी वाली बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप देख पाए हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मॉब ट्रिक्स। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कुछ ऐसे दिलचस्प मजेदार और चिपकू गेम्स। जहाँ दोस्तों चिपकू गेम्स आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि जब इनको आप खेलने लगेंगे ना तो आप पूरी तरीके से चिपक जाएंगे इनके साथ और आपको गेम छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए टाइम ना गवाते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट गेम है ब्रिज कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर। दोस्तों इस गेम में आपको एक ब्रिज बनाना है, एक ब्रिज को डिजाइन करना है अपने तरीके से कि आपका जो व्हीकल है ट्रक है वो आसानी से ब्रिज क्रॉस कर जाए। और हाँ दोस्तों, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो आपका ब्रिज डगमगा जाएगा और गिर जाएगा नदी में, आपका ट्रक भी गिर जाएगा नदी में। तो इतना आसान भी नहीं है, इसमें थोड़ा लगाना है अपना दिमाग, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप इस तरीके से अपने ब्रिज को इतना सपोर्ट दो, ऐसी मजबूती दो कि आसानी से आपका ब्रिज बैलेंस रहे और आसानी से आपका जो भी व्हीकल है वो आसानी से नदी को क्रॉस कर जाए। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा टाइम देकर अगर इसमें थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप ब्रिज बनाना सीख जाएंगे। मतलब उसका जो मेथड आप सीख जाएंगे तो आसानी से आप ब्रिज बनाने लगेंगे। और ख़ासकर मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद किया हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा जो वो दिमाग का जो खेल है ना, तो उससे यार मज़ा आ जाता है खेलने में। तो आराम से आप बैठ के बहुत ही शांति से इस गेम को आप खेल सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दूसरी गेम है ब्लॉक सॉकर। दोस्तों इसमें आपको मिलती है एक फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल से आपको गोल नहीं करना है, आपको तोड़ फोड़ करना है। ऊपर की तरफ जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनको आपको फोड़ना है और उनके ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, उतनी बार आपका फुटबॉल उनसे टकराएगा ना तब कहीं जाके वो फूटेगा, इतना जिद्दी है वो। तो दोस्तों इसको आपको फोड़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजी, मतलब आपको एक अच्छी तरीके से निशाना लगा के और आपको जो भी पावर्स मिलती है उन सभी का यूज करके आपको इसको फोड़ना पड़ेगा। तो और कुछ ऐसा निशाना लगाना पड़ेगा कि फुटबॉल कई बार टकराते रहे आपस में एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से कुछ आप इसको फोड़ सकते हैं और गेम में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस गेम को खेलता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आप भी इस गेम को ट्राई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा गेम है। तो अगली गेम है गैलेक्सी स्ट्राइक। तो दोस्तों गैलेक्सी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्पेस शिप तो आ ही जाती होगी। तो हाँ, इसमें आपको मिलती है एक स्पेस शिप जिसमें बहुत सारी गोलियां भरी हुई हैं, आपको बंदूक चलाना है, एनिमीज को मारते रहना है, उनके मतलब यान पे अटैक करते रहना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, केवल बंदूक चलाना नहीं है, आपको उनकी जो भी अटैक्स हैं उनसे बचना भी है। तो इतना आपको ख्याल रखना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो भी आपके एनिमीज की मतलब जो भी उनकी शिप वगैरह क्रैश होती है उसके बाद वो एक पावर्स में तब्दील हो जाती है, तो उन पावर्स को आपको कलेक्ट भी करते रहना है और उनके अटैक से बचते बचते। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग गेम लगा है और इसके ग्राफिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के और रियल फील होता है, मतलब ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के इसके। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको स्पेस शिप वाले गेम्स अच्छे लगते हैं। तो अगली गेम है फ्लिपी नाइफ। दोस्तों क्या आपने कभी टेबल पे नाइफ को खड़ा किया है सीधा? ऐसा नहीं किया तो अभी कर लो यार, इस गेम में वही तो करना है आपको। आपका जो नाइफ है वो टेबल पे सीधा खड़ा होना चाहिए, कैसे भी करो आपको इस तरीके से बाउंस करवाना है कि वो सीधा टेबल पे जाके सीधा खट्ट से खड़ा हो जाए, बस इतना सा काम करना है। अब वो कैसे करना है, कितना बाउंस करवाना है, वो सब आप जानो, मेरा काम था बस इतना ही बताना। अगली गेम है मिसाइल। दोस्तों इसमें आपको मिसाइल नहीं मिलती, आपको मिलता है एक छोटा सा एरोप्लेन जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक हो गया है और आपका मकसद है उस मिसाइल से अपने एरोप्लेन को बचाना और किसी भी तरीके से क्रैश होने से बचाना। तो आपको इस तरीके से घुमाना और मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देना है कि वो आपस में जाके एक दूसरे से टकरा जाएं। तो इस तरीके से आप मिसाइल्स को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है कि हाँ ऐसा हम कर लेंगे यार, बहुत आसान है, बट इतना आसान है नहीं दोस्तों, आप खेलो तो सही मालूम पड़ जाएगा आपको। हमारी लास्ट गेम है माइंड बॉक्स। दोस्तों इसमें दो बॉक्स रहते हैं जो कि आपस में टकराते रहते हैं, टकराने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोस्तों ये साइड में जो बॉक्स है उनसे नहीं टकराने चाहिए, अगर उनसे टकरा गए तो गेम ओवर हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप स्क्रीन पर कहीं भी टच करके इनको जंप करवा सकते हैं। ये गेम पूरा और पूरा टाइमिंग के ऊपर है, अगर आप सही टाइमिंग पे इसको जंप करवा देते हैं तब तो सही है, नहीं तो अगर थोड़ा भी टाइमिंग में अगर चूक हुई तो ये जाके साइड वाले बॉक्स से टकरा जाएंगे और गेम उधर ही ओवर हो जाएगा। तो ये गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है पर्सनली मेरे लिए अभी तक की सारी गेम्स में।
तो आप इसको खेलिए और आप बताइए मुझे कि आपको डिफिकल्ट लगा है कि नहीं। और हाँ दोस्तों, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको इनमें से कौन सा गेम जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट करके थोड़ा मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उसी टाइप के गेम्स ज़्यादा इंक्लूड करूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।